हाँ जी चल के ने। अच्छा चलाओ चलाओ। हाँ हाई हुई है। हाँ चारों चल गए ने। चलो चलाओ चारे सारे। ठीक है पार्किंग चलाओ। ठीक है हाँ जी चल गए ने। फ्रंट लाइट हाई। ठीक है ठीक है। और हॉर्न चले। ठीक है ठीक है। कर स्पाइडरमैन बना दिया। वो स्पाइडर जाला बना दिया था तो यार सारा इंशाल्लाह चम जाएगा ना जी। यार माशाल्लाह बड़ा एक्सपर्ट बंदा है ये। अगर आप लोगों ने भी आना है इधर ज़रूर आके इनसे वायरिंग करवाएं। अभी एक फ़ोन आया था कि 2JZ का कर देंगे आप काम। हो जाएगा ना। बस वो आपके पास बंदा आएगा वो आपने करके देना है। ठीक है शायद मैं भी उस टाइम मौजूद हूँ क्योंकि वो दोस्त यार यो है सीट खुल गई वो लड़ गया। ध्यान करो जी ऊपर से स्पाइडर बने लेकिन नीचे से भी बने। सही है सही है। चलो जी जब चालू होता है ना आपको दिखाते हैं। जी स्विच लग गया चला के दिखाना जरा। ठीक है ये स्विच के साथ काम करेगा बगैर स्विच के नहीं काम करेगा। मतलब स्विच बंद करोगे ना। थोड़ा सा ऊपर करें अभी बंद नहीं हुआ। सही भाई ये अंदाजा रखना पड़ेगा ना अभी भी बंद नहीं हुआ। सही नहीं जी गाड़ी आ जाए इन्होंने स्टार्ट भी कर ली है सारे पाइप भी लगा दिए जी और रेडिएटर का लग गया है ये एसी का। ठीक है ज़बरदस्त हो गया। गियर बॉक्स इसका अपना इस्तेमाल हुआ है ना। गियर बॉक्स नहीं दूसरा लगे अच्छा अच्छा इसी का ही लगा है वैगन आर का ही। ठीक है ठीक है सही हो गया। ये K10 इंजन डाला जी इन्होंने और अभी स्टार्ट किया इसको अभी बाकी जो अंदर हो रही है वायरिंग हो रही है वो देखे जी कंप्यूटर के साथ कार उस्ताद लगे हुए हैं जी। कितना रह गया गाइस अभी स्टार्ट होएगा कि नहीं। जी जी अभी तक स्टार्ट थी गाड़ी अभी भी स्टार्ट है पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल पेट्रोल खत्म ऐसा ही होता है। चलो जी ये काम भी हुआ हमारे क्या काम कहाँ तक पहुँचा जी हमारा भी हो चुका है तकरीबन और वायरिंग का काफ़ी टाइम लग गया था आपको पता है फिर अल्ट्रेशन करनी हो तो उस पर टाइम लग जाता है। अब आप ये कहेंगे कि यार किधर आ जाते हो आपका काम ही नहीं ख़त्म होते भाई ऐसे ही होते हैं यार काम। आप लोग कभी हाथ डालो ना दलदल में फिर पता लगेगा कितना गहरा है तो ये सीन है सारा। अभी अच्छा अभी हम आए जी मीटर वाले गोदाम के अंदर और यहाँ पे ना भाई हम मीटर बनाते हैं। ठीक है आपको जिस तरह का भी मीटर चाहिए हो अब जिस तरह गाड़ी की शेप है जिस तरह डैशबोर्ड की शेप है उस तरह का मीटर मैं ढूंढने आया हूँ वो दिखाएंगे ज़रा कौन सा था मीटर। अच्छा ये 200 वाला है। ये 200। ठीक है एक ये डायल आपके लग जाएगा उसके अलावा ये तो इंडस का है ना। हाँ इंडस का ही। ठीक है ये छोटा है ये लग जाएगा एक ये लग जाएगा लेकिन ये केबल में ये केबल में केबल में केबल में लग रहा ठीक नहीं। हाँ केबल वाला लगा लेंगे दिखाएं जरा केबल में। अच्छा ये उसी के मदरबोर्ड के ऊपर पंचिंग हो जाएगी। हाँ उसी पे पंचिंग करके देंगे। ठीक है और स्पीड एक्यूरेट होगी बिल्कुल एक्यूरेट होगी उसके अलावा ये चीज़ है ये डायल आपके लेकिन नहीं नहीं ये नहीं क्योंकि इसका आरपीएम छोटा है। आरपीएम छोटा उसका। हाँ उसका नहीं सेम सेम हो ना सही जैसा ये है। एक ये है नहीं ये भी नहीं लगेगा ये पिचका हुआ थोड़ा सा एक्यूरेट गोल लगेगा जैसा ये नहीं होता ये ठीक ऑप्शन लगी थी ये ठीक ऑप्शन है। हाँ बेशुमार पड़े हैं यार जो मुर्गी आपको लगा इनकी पिनें भी चेंज हो जाती हैं निटले चेंज हो जाती है। ये किस गाड़ी का लगा है मीटर ये क्या स्पोर्टिंग उसका है क्या 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 है मैं समझा उसका खैबर स्विफ्ट का आता है ना खैबर का स्विफ्ट खैबर का ये आरपीएम वाला नहीं मार्ग ये स्विफ्ट खैबर में आरपीएम इंस्टॉल है ये तो अब आफ्टर मार्केट उसका जेन्युइन आता है एक वो बड़ी नहीं पड़ा उसका वो मार्गला में आरपीएम पड़ा है। अच्छा 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 ठीक है चलें जी अब ये भी हमने देख लिया कितना का खर्चा आ जाएगा आपको बताया 4000 रुपये खर्चा 4000 रुपये आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है और सेंसर वाला हो या केबल वाला हो वो मर्जी है दोनों एक ही चॉइस है। ठीक है सेंसर बस एक्स्ट्रा खर्चा होगा आपका अपना एक्स्ट्रा खर्चा ठीक है ठीक है
सही हो गया। सेंसर कहने का मकसद ये, जैसा ये मीटर है ना, इसके पीछे केबल नहीं होती, इसके पीछे केबल तो वो गियर बॉक्स के ऊपर लग जाता है सेंसर, तो वो स्पीड एक्यूरेट बताता है। ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा तो वाइज अभी सीन ऐसा है कि मैं वर्कशॉप में और यहाँ पे गाड़ी का अल्हम्दुलिल्लाह सारी वायरिंग का काम हो चुका है, और अभी मैं गया था मीटर वाले के पास, मीटर वाले से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली। मैंने कहा यार इस तरह का मीटर है, मैंने उसके अंदर फिटिंग करवानी है क्योंकि उठा के मीटर की, क्योंकि अभी 160 का मीटर लगा है। मैंने कहा यार इसके अंदर 200 तक का होना चाहिए, ज़रा खूबसूरत लगता है डायल के अंदर, और उसके अंदर जो सुई हैं वो भी रेड हो जाएँ तो ज़रा ज़्यादा फैंसी लगेगा। कहता हो जाएगा सब कुछ। अब ऐसा कि यार आप लोगों में से काफ़ी भाइयों ने कमेंट किए हैं कि ये गाड़ी आपने एक प्रोजेक्ट करके ना बहुत बड़ी गलती की है, आप इससे अच्छा कोई गाड़ी लेते, सिविक लेते, करोला लेते, या फिर कोई मार्केट्स लेते। अब मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि आजकल मुल्क के हालात क्या जा रहे हैं। मुल्क के हालात इस तरह के जा रहे हैं कि अभी लेटेस्ट मॉडल की अगर सिविक अगर देख ली जाए तो 3 महीने में एक यूनिट भी सेल नहीं हुआ, अमीरजादों के हिसाब से भी वो गाड़ी सेल नहीं हुई। ठीक है, अब हमारे लेवल की बात आ जाए जिसमें इंडस आ जाती है, 2000 सिविक आ जाती है, अब वो बंदा ख़रीद तो ले 8 लाख 10 हज़ार रुपये की, 8 लाख या 10 लाख की ख़रीद ले गाड़ी, लेकिन उस पर ख़र्चा जितना आता है वो आपको नहीं इल्म। ठीक है, कब मैं आपको सजेशन दूंगा कि गाड़ी चलती भी कोई ख़रीद लेना, इस तरह गाड़ी ज़ीरो मतलब आप समझें कि हाँ मैं कबाड़ से ख़रीद के उसके ऊपर सामान डालूंगा या फिर खची गाड़ी लेके उसके ऊपर सामान डालूंगा, भूल है आपकी। मिसाल देता हूँ, 40,000 रुपये के खाली गत्ते मिल रहे हैं, ठीक है, सिविक के 80,000 रुपये का डैशबोर्ड मिल रहा है जी करोला का, ठीक है जी, इंडस का। अब हालात देखें किस तरह जा रहे हैं, मीटर देख लें, मीटर के अगर आप उसका वो डिजिटल आया जो ज़रा फैंसीज है वो 1,00,000 रुपये का वो खाली मीटर है, यहाँ पे लाइट लगती 10,000 रुपये की वो लाइट है। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं समझ लगेंगी कि कितना महंगी पड़ती हैं। वो प्रोजेक्ट कम से कम 15 से 20 लाख रुपये तक का पड़ जाता है। और अब मिसाल है कि शशकों वाली चीज़ें, सनरूफ लगवाया, ठीक है, ये आपको अगर आप कबाड़ से भी ख़रीदते हैं 60,000 रुपये का मिल जाएगा, 50,000 रुपये का मिल जाएगा, फिटिंग करवाएंगे 1,00,000 1,10,000 तक की फिटिंग के साथ कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इनकी ये गाड़ी भी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, जब आप सनरूफ फिटिंग करवा लेते हैं उसके बाद आपका 10,000 रुपया आपका गत्ते वाला ले लेता है उसकी फ़िटिंग करने के लिए, ठीक है, कोशिश वाला, फिर उसके बाद आपका 15,000 रुपया आपका वायरिंग वाला ले लेता है इसको चालू करने के लिए। ठीक है, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, 25,000 रुपया आपको फिर भी एक्स्ट्रा जेब में लेके फिरना पड़ता है कि इसको कोई चालू कर दे। ठीक है, उसमें फिर ये 7-10 दिन लगते हैं जो कि वायरिंग वाले आपको टाइम देते हैं, बेशक उनको 1 दिन का काम हो या 10 दिन का काम हो वो उन्होंने करके देना है। ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट पकड़ते हैं उस पर टाइम भी लगता है, ठीक है, कॉस्ट भी लगती है आपकी। अब मैंने जो प्रोजेक्ट पकड़ा है, मेरे पास का सारा सामान, इसका क्रोम जो भी इसकी डेकोरेशन का सामान था सारा कंप्लीट था, ना होता मैं कसम से इस गाड़ी को हाथ भी ना लगाता। इस गाड़ी को हाथ लगाने की रीज़न ही यही थी कि इसका सारा सामान मेरे पास मौजूद था। ऊपर के खर्चे मैंने खुद करवाए, इसके अंदर मैंने रिम्स भी दिलवाए, सनरूफ भी दिलवाया, ठीक है, फिर उसके बाद इंजन इसका चेंज हुआ, इंजन की वायरिंग अच्छी करवा ली, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर अभी इंटीरियर का काम है वो भी मैंने अच्छे से अच्छा करवाना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नई गाड़ी ले लेनी चाहिए थी, कोई और गाड़ी ले लेनी चाहिए थी, 40,000 रुपये के जो कि मैं गाड़ी पसंद करता हूँ उसके आपको गत्ते खाली मिल रहे हैं, इसके 40,000 रुपये में सारी कोशिश ही हो जानी है, तो देखें फ़ायदे में कौन रहा, मैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेशन सोच समझ की चीज़ की, मुझे पता था मैं फंसूँगा ज़रूर, लेकिन ये गाड़ी एक मरतबा रेडी हो गई तो ये मार्केट कह रहा हूँ रोड की अट्रैक्शन बन जाएगी। मुबारक हो जी, गाड़ी आपने तैयार कर ली, कितने दिन का काम रहा, 4 दिन लगे ना मेरे ख्याल से जी, 4-5 दिन, 4-5 दिन लगे, एक असम्बली भी ख़राब निकल आई थी लेकिन उन्होंने नई डाल के फिर दोबारा चेंज की, बस ये चीज़ें हो जाती हैं। ये वाला जब ही डाला था ना ये पहले स्मोक दे रहा था, इन्होंने फिर फौरन दूसरा इंजन लेकर आए हैं और फिर वो डाला वो सही है। चलो करो रिवर्स, ये है जी इसका पुराना इंजन कल्टस का, और ये डेड हो चुका था, मतलब ऑयल बहुत खा रहा था, बिल्कुल ठीक था, हाँ पावर की वजह से उन्होंने बढ़ाया। अच्छा बिल्कुल ठीक है, अच्छा इंजन ठीक है, बिल्कुल 0-0 इंजन है, गाड़ी चली नहीं है, टोटल 40,000 चली हुई है। तो इसकी हालत क्या की हुई है, वो जंग से भरी हुई खड़ी रही ना, अच्छा अच्छा खड़ी रही है, मैं ध्यान नहीं दिया। वो ये क्या चीज़ है, ये किसका ये नमूना है, ये हमने ली, इसको हाइब्रिड करेंगे, क्या बात है, बहुत जबरदस्त चीज है। आज ये आज कल्टस गई तो मुझे नजर आई है, देखो ये, देखो ये मैग्नेट, ये ना हमने हाइब्रिड के लिए तारीखान खोला हुआ है इसका ना, वो सारा सिस्टम बनाने के लिए सिर्फ स्टॉल है, इसको हाइब्रिड करेंगे, क्या बात है, चले इसका भी देखेंगे। बाकी भाई का सीन ऐसा ही है, साथ साथ काम चल रहे हैं, बस अभी इसका फायरिंग का काम शुक्र है खत्म हुआ, अब नेक्स्ट हम जाएंगे कोशिश की तरफ और कल से इसका काम शुरू करते हैं और वो भी दिखाते हैं। और कोशिश का कोई इतना लंबा काम नहीं, कम से कम 5 से 4 दिन के अंदर ना गाड़ी पूरी इंशाल्लाह रेडी हो जानी है, और उसके बाद जो भी काम है आपको दिखाएंगे, और बस यही बातें हैं भाई। अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल की वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।